और वाराणसी से खबर है जहां जिला पंचायत विभाग में घूसखोरों की तिकड़ी कैसे सरकार की मंशा पर पलीता लगा रही है वो साफ तौर पर वीडियो में सामने आया है। आरोप है कि घूसखोरी का रेट यहां फिक्स है और ठेकेदारों से यहां बकायदा उनके ठेके की लागत के हिसाब से रकम ली जाती है और जो ठेकेदार ऐसा नहीं करता है उसका भुगतान ही रोक दिया जाता है। तो जो यहां पर घूसखोरी का कॉकस बना है उसका सरगना है यहां पर अभियंता अखिलेश और निर्माण लिपिक सुनील भी इसके गुर्गे हैं। तो आपको बता दें कि यहां पर इस तिकड़ी ने पूरी तरीके से अपनी कमीशनखोरी का खेल चला रखा है जिसमें अपर मुख्य अधिकारी सुधीर कुमार मुख्य तौर पर शामिल है। ये तीनों मिलकर खुलेआम लोगों से कमीशन मांगते हैं, जो कमीशन नहीं देता है ऐसे ठेकेदारों का भुगतान ही रोक दिया जाता है। सर अभी हमारा 4,41,000 का चेक कटा है, हमने 850 मीटर साफ काम किया, 4,35,000 समथिंग हमारा रुपए लगा उस पे और अभी चेक बाकी है। मोटर जो है हमको लग रहा है कि जो है इस महीने 1,00,000 जो ये सब का नाम है जी, कि जो जांच जो हुई है जी वो खत्म हुई है, इसके बाद जो है लोग चले जाते हैं, उसके बाद जो है हो जाता है भैया तो हम आके आपको दे जाएंगे एकदम। लेकिन सर हम काम किए अपना पूंजी लगा के, हमारी पूंजी वापस आई, अब हम पूंजी में से ही कमीशन देते हैं कहाँ कहाँ देंगे सर? हमारा एक ग्रेड का फर्म है, मैं लखनऊ से एक ग्रेड में फर्म मेरा है, मैं पीडब्ल्यूडी का काम करता हूँ, आरईएस का करता हूँ, अब मैं कितने विभाग में अपना कमीशन पहुँचाता रहूंगा? जिससे लोग 1,00,000 रुपए कटा ठीक है, 70,000 8,00,000 के काम में 3,00,000 कटा वीडियो तो हमें लग रहा है कि इसी समय का है, इसी अपर मुख्य अधिकारी के टाइम का है और केवल अपर मुख्य अधिकारी इस समय लूट की स्थिति बनाया जिला पंचायत में, इसको जिले के काम से कोई मतलब नहीं है। वाराणसी में पंचायत विभाग के अपर मुख्य अधिकारी सुधीर कुमार की कमीशन खोरी का जब वीडियो सामने आया है तो इसके बाद वाराणसी से लेकर लखनऊ तक हलचल है। वीडियो वायरल होने के बाद राजनीतिक गलियारों से भी जबरदस्त रिएक्शन आ रहे हैं, प्रशासनिक अधिकारियों में भी हड़कंप है। मामले को लेकर विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है, वहीं बीजेपी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रही है। सरकार ही कमीशन की है, यहां तक सवाल जिला पंचायत बनारस के भ्रष्टाचार का है तो आखिर वो किसके इशारे पर? उसमें जो मेरी जानकारी है कि जो सरकार में राज्यमंत्री अनिल राजभर ने भी शिकायत की है, मंत्री से शिकायत की है, मुख्यमंत्री से शिकायत की है, तो जब मुख्यमंत्री भी नहीं सुन रहे हैं और इन सब भ्रष्टाचारों का सरगना कौन है? खुद मुख्यमंत्री जी हैं, तो आप भ्रष्टाचार और कमीशन नहीं रोक सकते। देखिए वाराणसी का ये जो वीडियो वायरल हुआ है और उसमें कुछ अधिकारियों द्वारा ठेकेदारों को भुगतान के लिए कमीशन की बात की गई है, तो ये विषय माननीय मंत्री जी और सभी संबंधित लोगों के संज्ञान में है, इसकी जांच कराई जा रही है कि इसमें सत्यता कितनी है और अगर अधिकारियों द्वारा सही काम के भुगतान के लिए कमीशन की मांग की जा रही है तो ये अक्षम्य अपराध है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व की सरकार में भ्रष्टाचार किसी का बर्दाश्त नहीं होगा, चाहे वो कितना ही पहुंच का हो, और अगर वह ये दम्भ भर रहे हैं कि उनकी बहुत पकड़ है तो चीजें सामने आने दीजिए, अगर जांच में उनकी गलती पाई गई तो उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई होगी। ये बनारस में मामला ऐसा है कि पिछली गवर्नमेंट में अभी देखे थे बड़ी पाक साफ थी, उसमें भी हुआ है, लेकिन उसमें पैसा लेते थे और डरते थे, अगर उसमें 2,00,000 उनकी लेना है रिश्वत तो उनसे 50,000 1,00,000 के ऊपर तय हो जाता था, भाई इतने घटा दो तक। इस गवर्नमेंट में एक बड़ी अच्छी बात है, उसमें रिश्वत तय करते हैं, 2,00,000 अगर तय है तो 2,00,000 में 1 रुपया नहीं घटाएंगे, इतनी मजबूती आ गई इस गवर्नमेंट में, मैंने रिश्वत भी मजबूती आ गई है। अच्छा ये अफसर जो बोलते हैं कि साहब मेरा कुछ नहीं कर पाएगा, तो क्यों कर पाएगा भाई, जब ऊपर से नीचे तक पूरा करप्शन की छूट दी हुई है तो इनका क्या कर पाएगा?